नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेडरूम में कौन सी फोटो लगानी चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में कौन सी तस्वीरें किस कक्ष में लगाएं और कौन सी नहीं, इसका उल्लेख वास्तुशास्त्र में मिलता है। यदि आपका अपनी पत्नी या पति से कोई मनमुटाव चल रहा है तो यहाँ प्रस्तुत है शयन कक्ष में लगाने वाली 5 तस्वीरों की जानकारी। एक, यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। दो, यदि आप राधा कृष्ण का चित्र नहीं लगा सकते हैं तो हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। 3, हिमालय का सुंदर सा चित्र लगाएं। यह आपके मन को एकदम शांत करके प्रसन्नता भर देगा। आप अपने प्रेम में ऊंचाइयों को छुएंगे। 4, शयन कक्ष में शंख का एक बड़ा सा चित्र लगा सकते हैं। यह भी पति और पत्नी के बीच संबंधों को मधुर बनाता है। 5, बांसुरी का चित्र भी आपके जीवन में मधुर संगीत घोल देगा। हिदायत, ध्यान रखें उपरोक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। शयन कक्ष में राधा कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी या देवताओं की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम में सिरहाना पूरब या दक्षिण की ओर होना चाहिए। बेडरूम में आईना और तेल नहीं रखें। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं रखें। शयन कक्ष या बेडरूम की दीवारों में दरार नहीं होना चाहिए और दीवारों का रंग एकदम आंखों को चुभने वाला भी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। अलमारी को दक्षिण या पश्चिम की दीवार से सटाकर रखना चाहिए। इसी तरह की और भी कई हिदायतें हैं जिन्हें जानकार आप बेडरूम का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।